गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। हम ट्रांजिस्टर के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो पढ़ रहे थे। यहाँ पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो कॉमन हम करते हैं वो एमिटर टर्मिनल करते हैं, मतलब कि जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होते हैं, तीन ही टर्मिनल होते हैं। तो एक टर्मिनल को क्या करना पड़ता है, हमें कॉमन करना पड़ता है, क्योंकि दो एज ए इनपुट टर्मिनल चाहिए और दो ही क्या चाहिए, हमें आउटपुट टर्मिनल चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीन होने की वजह से एक को कॉमन करना पड़ता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो कॉमन होता है वो एमिटर हो जाता है, बेस क्या होता है एज ए इनपुट टर्मिनल होता है, कलेक्टर क्या होता है आउटपुट टर्मिनल होता है। और जो इमिटर जो कॉमन होता है वो क्या करता है, एज ए इनपुट टर्मिनल भी बिहेव करता है और आउटपुट टर्मिनल भी बिहेव करता है। इस तरीके से बेस और जो इमिटर होता है वो एज ए इनपुट टर्मिनल हो गए हैं, और जो कलेक्टर और जो इमिटर है वो क्या हो गए, आउटपुट टर्मिनल हो गए। जो कॉमन इमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें क्या करते हैं, इमिटर को क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, इसलिए इसको कभी कभी ग्राउंडेड इमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इसको हम सी एम्पलीफायर भी कहते हैं। जो मोस्टली जो एम्पलीफायर हम यूज में लेते हैं वो सी एम्पलीफायर होता है, जो एक क्या है हमारा, तो सी कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर भी कहते हैं ये। और जो ये इमिटर होता है, कॉमन इमिटर होता है, ये तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, इसमें जो मोस्टली हम यूज में लेते हैं, ये हमारा क्या है, इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमिटर हो गया। अब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी या एनपीएन, ये हम कैसे पता लगाते हैं कि जो ये जो करंट होता है, इमिटर करंट शो करते हैं, क्योंकि ये टोटल करंट होता है। जो इमिटर करंट है ये क्या करता है, पी से एन की तरफ फ्लो करता है, बिकॉज होल की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। तो जिस जहाँ से ये करंट की डायरेक्शन आ रही है वो क्या होता है, पी होता है। तो बेस क्या हो गया हमारा, पी हो गया, इमिटर क्या हो गया हमारा, एन हो गया। तो इस तरीके से एन पी और एन ट्रांजिस्टर हो गया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो एज ए एम्पलीफायर यदि हम यूज में लेते हैं, तो इसके अंदर दो जंक्शन होते हैं, एक ही होता है हमारा जंक्शन जे ही होता है, एक जंक्शन जे सी होता है। जे सी जंक्शन बेस और कलेक्टर के बीच का होता है, और जो जे ई जंक्शन होता है वो एमिटर और बेस के बीच का जंक्शन होता है। जो जे ई जंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। फॉरवर्ड बायस के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पी है, बेस पी है, तो पी को क्या कर देंगे हम, पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, एन को नेगेटिव से। इस तरीके से जे सी जंक्शन क्या हो गया हमारा, फॉरवर्ड बायस में हो गया। जो ये जे सी और यहाँ पे वीबीई वोल्टेज या फिर हमने बैटरी लगाई गई है यहाँ पे। जो ये जेसी जंक्शन है ये कलेक्टर और बेस के बीच का है, तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, ये पी और एन है, इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। तो जो एन है कलेक्टर वो हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये क्या हो जाता है हमारा, रिवर्स बायस में हो जाता है। यहाँ पे हम इमीटर क्या कर देते हैं, ग्राउंड भी कर देते हैं, इसलिए इसको ग्राउंडेड इमीटर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। जो ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये हम तब यूज में लेते हैं जब हमें लार्ज करंट गेन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो इसका करंट गेन होता है वो, और इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो दोनों क्या होते हैं हमारे, मीडियम होते हैं। और लेकिन इसकी जो पावर होती है वो हमारे क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। इनपुट सिग्नल हम बेस और इमिटर पे अप्लाई करते हैं, और आउटपुट क्या करते हैं, हम कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल पे ले लेते हैं। इमिटर टर्मिनल यहाँ पे क्या करता है, दोनों इनपुट और आउटपुट टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा है। तो सप्लाई वोल्टेज वी बी और वी सी लगाए गए हैं, ये एज ए एम्पलीफायर को हम, कोई भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसको एम्पलीफायर को यूज में लेने के लिए हम इन्हें ऐसे लगाया गया है। तीन हमने पढ़े थे, इसके तीन मोड पढ़े थे, एक एम्पलीफायर मोड कब होता है, सेचुरेशन होता है, एक कट ऑफ एक्टिव रीजन होता है, एक सेचुरेशन होता है, और एक क्या होता है हमारा, कट ऑफ होता है। एक्टिव रीजन में जब हम यूज में लेते हैं तब जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा किस में, उसको एप्लीकेशन एज ए हम एम्पलीफायर यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीफायर यूज में लेने के लिए हमने जेसी जंक्शन को तो क्या किया है, रिवर्स बायस में, और जेई जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कर किया है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है, इसके अंदर जो इनपुट इम्पिडेंस और जो आउटपुट इम्पिडेंस होते हैं वो क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। इस तरीके से इसके अंदर वोल्टेज गेन और करंट गेन भी मीडियम होते हैं, लेकिन पावर क्या होती है इसकी, ज़्यादा होती है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है इसका मतलब जो इनपुट करंट और जो आउटपुट करंट है उसके बीच का हम ग्राफ देखेंगे। कब, जब क्या करते हैं, आउटपुट जो वोल्टेज होता है उसको हम कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम में हम देखते हैं,
यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट करंट क्या है, हमारा आई बी है, इनपुट वोल्टेज कितना है, वी बी है, आउटपुट वोल्टेज कितना है, वी सी है। तो आई बी इनपुट करेक्टरिस्टिक में हम आई बी और वी बी के बीच का ग्राफ देखते हैं जो वी सी को कॉन्स्टेंट रखते हैं। वी बी को क्या करते हैं, हम बढ़ाते जाते हैं और उससे क्रोस्पेंडिंग आई बी की वैल्यू देखते हैं। जो वी बी होता है वो हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे ले लिया गया है, और जो बेस करंट है वो हमने वाई एक्सिस पे लिया गया है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, अब क्या होता है कि इसको हमने किसी भी एक वोल्टेज पे ले लिया गया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे वी सी जीरो वोल्टेज पे लिया गया है। जब जीरो वोल्टेज पे हम लेते हैं तो क्या होता है कि ये यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक पी एन डायोड हो गया। तो पी एन डायोड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसके जैसी होगी, पी एन डायोड के जैसी होगी है। जिसमें क्या करते हैं कि यदि हमारा डायोड है वो कौन से सेमीकंडक्टर से बना है, जर्मेनियम से बना है या सिलिकॉन से बना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कटिंग वोल्टेज डिसाइड हो जाता है। इसका मतलब है कि 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्टेज के बाद में करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो डिवाइस होती है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो वी बी क्या, जैसे जैसे बढ़ाते हैं हमारा आई बी क्या होता है, बढ़ता जाता है। वी सी क्या किया हमने, कॉन्स्टेंट किया। उसके बाद में क्या करते हैं, 0 वोल्टेज देखा सबसे पहले, उसके बाद में वी सी का कोई भी हम वोल्टेज ले लेते हैं, जैसे 10 वोल्ट लेते हैं। जैसे ही हम 10 वोल्ट लेते हैं तो ये क्या है, जैसे जंक्शन रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में होने के कारण यहाँ पे क्या होती है, डिप्लेशन लेयर होती है। तो डिप्लेशन लेयर होती है, ये क्या होती है, होती दोनों बायस में होती है, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होती है, हमारी ये वाइड होती है, और जो फॉरवर्ड बायस होती है उसके अंदर बहुत हमारी थिन होती है। तो जैसे जंक्शन पे क्या होगा, हमारी डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो बेस है वो क्या है, हमारा थिन है, और उसके अंदर क्या है, डोपिंग सबसे कम है। इसका मतलब जो इसकी विड्थ होगी डिप्लेशन लेयर की, वो बेस के अंदर ज़्यादा होगी और कलेक्टर के अंदर क्या होगी, कम होगी। इस तरीके से क्या होगा, बेस का एरिया जो होगा वो कम हो जाएगा, और जो बेस करंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि बेस करंट क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन और जो होल होते हैं उनके रिकम्बिनेशन से जो करंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस करंट बोलते हैं। बेस करंट क्या हो गया, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बढ़ जाने से वो होल और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हमारे कम हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे ये आई बी जो करंट होता है वो कम हो जाता है। इस तरीके से आई बी करंट होने पे हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ होता है ये हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। राइट साइड शिफ्ट हुआ, इसका मतलब किसी भी एक वोल्टेज पे हम देखते हैं, जैसे वी बी के हमारा 0.8 वोल्टेज दिया, 0.8 वोल्टेज देते हैं तो इसके लिए ये वोल्ट करंट आएगा हमारा। और जैसे 0.8 पे इस पे देखें तो हमारा वोल्टेज क्या रहा है, करंट क्या रहा है, हमारा कम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारा जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वी सी ई, या फिर जो आउटपुट जो वोल्टेज है वो हम बढ़ाते जाते हैं, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाता है, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो बेस करंट होता है वो किसी एक पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज के लिए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरीके से ये क्या है, हमारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक किसी एक वोल्टेज पे देखते हैं ये, तो ये किसके जैसे हैं, पी एन डायोड के जैसे हैं। दूसरा आता है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का जो ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, जो इनपुट जो करंट होता है वो हम कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो जो इनपुट जो करंट है वो हमारा क्या था, आई बी था, आई बी को हमने क्या कर लिया है, कॉन्स्टेंट कर लिया है। जो आउटपुट करंट क्या है, हमारा आई सी है, और आउटपुट वोल्टेज कितना है, वी सी है। तो जो वी सी को हम बढ़ाते जाते हैं उसके हिसाब से हम आई सी का मान देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम आई बी को 0 लेते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी वहाँ पे बायसिंग प्रोवाइड नहीं कराई गई है, या फिर हमारा कंडक्शन स्टार्ट नहीं किया है, जेई जो जंक्शन है फॉरवर्ड बायस में नहीं है। तो आई बी क्या हो गया, 0 हो गया। आई बी 0 हो गया तो आई सी भी क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। इस तरीके से जो ये ग्राफ होता है ये क्या शो करता है, इस टाइम कट ऑफ रीजन को शो करता है कि कोई भी जो ट्रांजिस्टर उसने कंडक्शन स्टार्ट नहीं किया है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, एज ए यहाँ पे ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। अब क्या करते हैं कि जो आई बी करंट है उसको बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम आई बी करंट को बढ़ाते हैं तो हमारा आई सी क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता जाता है। किसी भी आई बी को हमने क्या कर लिया है, कॉन्स्टेंट कर लिया, जैसे 20 माइक्रो एम्पियर पे लिया है। अब आई सी और वी सी के बीच का ग्राफ देते हैं। जैसे जैसे हम वी सी बढ़ाते जाते हैं, आई सी का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारा आई बी बढ़ता है उसमें क्या होता है, करंट आई सी का मान हमारा बढ़ता जाता है। तो ये हमारा जो रीजन होता है ये एक्टिव रीजन है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर हमारा एज ए एम्पलीफायर बिहेव
बिहेव होता है। ये जो रीजन है ये क्या हमारा सेचुरेशन रीजन है, इसके अंदर क्या यहाँ से देखें तो वी सी क्या नेगेटिव है, इसका मतलब तो जेसी जंक्शन है वो भी क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो दोनों जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में होते हैं तब हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है सेचुरेशन रीजन में होता है और वो एज ए ऑन स्विच बिहेव करता है। अब इसके कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, इसके इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। जो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस क्या है इसका, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस है, तो चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब है कि वो कॉन्स्टेंट नहीं है, किसी भी हमने एक पर्टिकुलर रेंज के लिए उसको बीच में लिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है तब भी वी सी हमारा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। जैसे हम यहाँ पे देखें जो इसका इनपुट करेक्टरिस्टिक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे यदि हम कितना चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 0.6 से 0.8 तक का हमने रेंज दिया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 0.6 पे करंट देखा फिर 0.8 पे देखा, तो ये जो कितना चेंज हुआ है ये जो करंट है ये चेंज इन करंट हो गया और ये चेंज इन वोल्टेज हो गया। तो चेंज इन वोल्टेज अपन जो चेंज इन करंट होता है इसका जो रेशियो होता है इसको हम इनपुट डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपन चेंज इन आउटपुट जो करंट होता है उसका जो रेशियो होता है उसको हम डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तब हमारा क्या होता है जो आई बी होता है इनपुट जो करंट होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, जो आउटपुट यहाँ पे हम अगर हमारा क्या यहाँ पे करंट गेन है, इस कॉन्फिग्रेशन में जो करंट गेन होता है सी कॉन्फिग्रेशन में ये होता है कि गेन होता है वो हमेशा आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हम क्या करते हैं उसका रेशियो हम देखते हैं। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट जो करंट है वो कितना हो गया हमारा आई सी हो गया, इनपुट करंट क्या है हमारा आई बी है, तो यहाँ पे जो करंट गेन है वो बीटा है, बीटा कितना है आई सी अपॉन आई बी है। ये क्या होता है करंट गेन होता है सी कॉन्फिगरेशन में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो आई सी होता है वो कितना होता है मिली एम्पियर में होता है, ये क्या होता है माइक्रो एम्पियर में होता है। इस तरीके से इसका जो वैल्यू होती है बीटा की ये ऑलमोस्ट हमारी 50 से किसके बीच की होती है 400 तक होती है, किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए हमारी होती है। क्या करते हैं हम इसके अंदर हमारा जो करंट गेन है उसका हम करंट गेन देखते हैं इसके अंदर, और इसका जो करंट के बीच में जो रिलेशंस है वो देखते हैं सी कॉन्फिगरेशन में। तो जो एल्फा होता है, एल्फा क्या है करंट गेन है, ये किसके अंदर था कॉमन बेस के अंदर था, कॉमन बेस है तो आउटपुट करंट हमारा आई सी था, इनपुट करंट क्या था हमारा आई ई था, तो एल्फा को हम आई सी अपॉन आई बी डिसाइड आई सी अपॉन आई का जो रेशियो होता है उसको हम करंट गेन बोलते हैं, जब कॉन्फिगरेशन कौन सा हमारा कॉमन बेस हो। यहाँ पे हमने क्या किया था आई सी पी ओ था उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया था, तब हमारा आई सी इजक्ल टू एल्फा इजक्ल टू आई सी अपॉन आई आता है। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है आई सी इजक्ल टू एल्फा आई प्लस आई सी पी ओ। आई सी पी ओ क्या है जो कॉमन जो कलेक्टर और बेस के बीच का जो करंट होता है वो करंट जब हमने एमीटर क्या कर दिया है ग्राउंड कर दिया गया है, या फिर उसको हमने क्या कर दिया है ओपन कर दिया है, जब इमिटर हमारा ओपन है तब कलेक्टर और बेस के बीच का जो करंट होता है उसको हम आई सी पी ओ लिखते हैं। तो आई सी पी ओ क्या होता है, यहाँ पे एक माइनॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं उसकी वजह से जो करंट होता है उसको बोलते हैं आई सी पी ओ, और ये हमारा एज ए लीकेज करंट होता है तो इसका मान बहुत कम होता है। इसके लिए हम देखें तो आई सी आउटपुट जो करंट है वो आई सी है, किसके रिस्पेक्ट में हमें लिखना है इनपुट करंट के रिस्पेक्ट में हमें लिखना है, तो फंक्शन ऑफ आई बी हो गया। तो आई सी इक्वल टू कितना होता है एल्फा आई प्लस आई सी बी ओ। आई ई किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए चाहे वो कोई सा भी कॉन्फिग्रेशन हो, आई ई टोटल करंट कितना होता है आई सी प्लस आई बी, इमिटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट होता है। तो आई सी का मान कितना हो गया है, यहाँ पे आई का मान रख दो एल्फा आई सी प्लस आई बी प्लस आई सी पी ओ। एल्फा इसे ब्रैकेट को हटा देते हैं तो आई सी इक्वल टू एल्फा आई सी प्लस एल्फा आई बी प्लस आई सी पी ओ। आई सी हम कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एल्फा एल्फा आई बी प्लस आई सी पी ओ। आई सी का मान कितना हो गया एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा आई बी प्लस आई सी पी ओ अपॉन 1 माइनस एल्फा। एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा को हम क्या कर देते हैं बीटा शो कर देते हैं। बीटा क्या होता है करंट गेन है किसके अंदर कॉमन इमीटर के अंदर। तो आई सी इक्वल टू कितना हो गया बीटा आई बी, और 1 अपॉन 1 माइनस एल्फा को हमने शो किया गया है 1 प्लस बीटा 1 प्लस बी। तो ये बीटा आई बी 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ को शो कर रहे हैं, यहाँ पे को डिनोट कर रहे हैं हम आई सी ई ओ। यहाँ पे क्या आई सी ओ क्या है
कलेक्टर और इमिटर के बीच का करंट जब हमने क्या कर दिया है, बेस को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया। ओपन किसको किया है, बेस को किया है। करंट किसके बीच का देख रहे हैं, कलेक्टर और इमिटर के बीच का। तो ये जो होता है ICO क्या होता है, 1+βICBO को शो किया गया है। बीटा आई बी क्या होता है, ICO से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम ICO के क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। IC का मान कितना हो गया, बीटा आई बी हो गया। बीटा कितना हो गया, IC/IB। इस तरीके से कॉमन इमिटर के अंदर जो हमारा करंट गेन होता है, वो यदि जनरल केस में देखें तो हमारा IC=βIB+ICO। यदि हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट नहीं माने, तो इसको यदि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो बीटा का मान होता है IC/IB। जो सी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर जो गेन होता है वो बीटा है, तो ये क्या होता है, इसका मान 50 से 400 तक होता है। और जो सी बी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर जो करंट गेन है वो अल्फा है, तो ये क्या है, लेस देन हमारा 1 होता है, इसलिए इसका मान हमेशा कितना, 0.95 से 0.99। थैंक यू।